हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, और आप इसके प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 30 से अधिक प्रैक्टिस सेट है, साथ में मैथमेटिक्स के हैंड रिटन नोट पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके वीडियो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी डॉट गुरु से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और उस ग्रुप में आप जो है जनरल स्टडीज के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपसे जनरल नॉलेज से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो जनरल नॉलेज है इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कन्फर्म है, भारत के पड़ोसी देशों, उनकी राजधानियां और उनकी करेंसी और जो करेंट इवेंट अभी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड होगा। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन होंगे, कल्चर से 3 क्वेश्चन, कल्चर में आपका आर्ट, डांस और म्यूजिक होगा। इसके पूरे नोट्स आप डाउनलोड कर लें। साथ ही जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक टॉपिक है कौन, क्या और कहां, क्या है, तो कौन क्या है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। साथ ही खेल, अवार्ड और प्राइस तथा टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस, कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इन्वेंशन और डिस्कवरी तथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, इसमें आप आर्टिकल पढ़ के जाएं। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स और ऑथर्स तथा नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट तथा जो अभी हुए हैं इंडिया में और जो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि G20 हुआ था और जो वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, इन सब के बारे में मतलब करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। साथ ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, जैसे कि अभी भारत रत्न जिन लोगों को दिया गया है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो जो अवार्ड फेमस लोग हैं जिनको मिले हुए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आप लोगों को पता ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे कि दूध में कौन सा एसिड होता है, नींबू में कौन सा होता है, या फिर विटामिन डी के लिए क्या करना होता है, या फिर धूप से कौन सा विटामिन मिलता है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन होंगे। एवरीडे लाइफ में जो जो चीजें यूज होती हैं, एवरीडे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड डे टू डे एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसके लगभग 500 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है मेरे पास, आपको डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ग्रुप से। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें नंबर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, जिसमें एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेसेस, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होंगे। अल्जेब्रा से आपसे बेसिक अल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, एक क्वेश्चन होगा, और ज्योमेट्री से आपसे जो है कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, रेगुलर पॉलीगन और सर्कल पूछा जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में आपसे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है जनरल रीजनिंग, जिसमें आपसे नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी, तो सिलेबस भले ही इतना है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक यहाँ से पक्का कर लीजिए। इसके अलावा जो है क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन है, आपके दो है, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और नंबर सीरीज, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 3 तो इन्हीं 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनोलॉजी। एनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और पजल्स, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप तैयार करके जरूर जाएं। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस, आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।